यहाँ पे इसके हालात चेक करें, जोहा जोहा के सारे ओए मैंने पटाखे दिए थे, कैसे फाड़ी है पटाखे, सकती हाथ में नहीं फोड़ो लग जाएगी चोट मैंने घोड़ा था आपके सामने घोड़ा था ना बेटा, जल जाएगा हाथ। इसके पटाखे बहुत पुराने रखे हुए, वो रे लाल वाले, जोहा ना डर जाए जोहा आपके पटाखों से। हाय 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 हाय, वो रहा रेड, नहीं है खत्म। चलो सारे पटाखे जमाने पड़े, नाश्ता कर लिया, नाश्ता कर लिया बेटा, आपके लिए पराठा बना के रखा था मैंने, आपने रोटी खा ली। अच्छा बात सुनिए, इधर इधर देखिए मेरी तरफ, अभी मामा नमाज पढ़ के आ रही है, फिर आप कपड़े निकालती है ठीक है, फिर आप अपने कपड़े दिखाइएगा लोन वाले सही सबको जो मामा आपके लिए लेकर आई है ठीक है। चलो यहाँ पर हम आ गए, तो यहाँ पर हमने जुहान को दी दवाई और जुहान अभी उठा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटे, अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, कैसा है, क्या सीना चल रहा है इसका। चलो यहाँ बेटे मेरा, मैं नमाज पढ़ के आ रही हूँ, फिर मैं दोनों बच्चों को रेडी करके फिर किचन में लगूंगी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग, आई होप के सब खैर वापस से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से मोहब्बत से और प्यार से। और जी फाइनली आज हम, मैं आपको पूरी अपनी इफ्तार की रूटीन बताऊंगी, जो हमें इफ्तार में क्या क्या बना रही हूँ, मज़े मज़े की चीज़ें बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं जा रही हूँ नमाज अदा करने, जोहर की नमाज का टाइम है और यहाँ पे जोहा को नाश्ता, जोहा ने खुद नाश्ता किया है, मैंने बना के रख दिया था खाली इसका। अब ये भी मेरे साथ नमाज पढ़ने जा रही है, मम्मा मैं भी नमाज पढ़ूंगी, तो मैंने कहा आओ देखो मेरा दुपट्टा निकल के लगे नमाज के लिए। स्कार्फ कहाँ है आपका जोहा, अपना स्कार्फ पहनो ना, जहरा पी वाला स्कार्फ पहनो ना, वो बहुत लंबा सा है, वो स्कार्फ चाहिए था नमाज के लिए, पूरा स्कार्फ नमाज है वही स्कार्फ चलता है बेटा, वो पहन के आओ। चलो जोहर में नमाज अदा करते हैं पहले, फिर हम लोग आएंगे, पहले मैंने बच्चों को तैयार कर दूंगी नमाज पढ़ने के बाद, फिर जो है मैं किचन में आऊँगी। फिर सामान हनी से मंगवाना होगा ना बाहर से, वो सामान भी मंगवाना है क्योंकि मैं चिकन के पकौड़े वगैरह बनाऊंगी और दही वगैरह भी मंगाऊंगी ना, तो जो चीज़ मंगाऊंगी वो हनी को मैं दूंगी। पालक मंगवाना है, पकौड़े मिक्स पकौड़े बनाएंगे, तो जो बनाएंगे वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। पहले अल्लाह अल्लाह करते हैं, उसके बाद दूसरे काम करते हैं। यहाँ पापा ने अपने कपड़े निकाल लिए हैं करने के लिए, आ जाओ भाई। ये क्या हो सकते हैं, कैसे करें, हाँ किसी को नहीं बताएगी क्या है, किसी को नहीं बता रही है क्या है, आप बता दीजिए क्या है ये, खोल के दिखाते हैं, खोल के दिखाओ, आ तो लग रहा है इसमें कोई चीज है, जल्दी करो मुझे जाना है किचन में, भैया अभी उठ जाएगा, आपको भी, आपको भी कपड़े पहनाने। ये है मेरा इतर, ये है इतर, जोहा का इतर है, लगा भी लिया। चलो ये लेकर आओ, लेकर आओ इसको, आप इसे कपड़ा तो लेकर आओ, ये चार दिखा दे, ये लाए थे हम जोहा के कपड़े लोन के, जो आम रूटीन में टी शर्ट भी होंगी इसके पास, मैक्सियाँ भी होंगी और लोन के भी ले आई हूँ मैं, कमीज शलवार ना इसके, ये देखें तो अब ये जो इसके कंप्लीट हो गए सूट, अभी गर्मी में मुझे खरीदने नहीं पड़ेंगे। ये देखें कमीज शलवार इसलिए कि अभी सिपारा वगैरह पड़ती है ना, तो इस वजह से कहीं जैसे किसी मिलाद वगैरह में चले जाते हैं तो कमीज शलवार इसलिए, तो इस वजह से मैं इस तरह की शर्टें लाई हूँ। इसकी शलवार तो दो ना बेटा, इसकी शलवार तो नहीं, इसकी शलवारें होंगी ना इसकी बेटा, जी बेटा ये तो ब्लैक वाले सूट की आ गई, देखें एक सूट ये रहा इसका ब्लैक, देखें अच्छा ये लीलन पे है, ठंडा है गर्मियों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें देखो कितनी प्यारी, ये देखें ये देखें ये मैं पहनूंगी ठीक है, ये हो गया एक, इसके साथ की ये शलवार है ठीक है, अब एक पिंक वाला ये है सूट इसके साथ की, ये खोल के दिखाइए ज़रा, ये पहनेंगी आज आप ठीक है, ये अच्छी अच्छी शलवार कहाँ गई, इसकी शलवार ये नहीं ना बेटा, और इसकी शलवार कहाँ है, मैं भी देखती हूँ इसकी शलवार है, इस पे ब्लैक, इस पे खाली हो गया, मैं इसमें आप ही का गिफ्ट है। चलो ये मैया मेरी भांजी का ये गिफ्ट, उसकी बर्थडे थी तो मैं नहीं लाई थी, खाली हो गया, खाली हो गया, अच्छा मैं देख लेती हूँ, ये उसका है, ये उसका सूट है जो मैं उसको देकर आऊँगी, ये मैं उसके लिए लेके आई हूँ, टू पीस जो चल रहे हैं ना आजकल कॉटन में है, बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं ये देखें, वो बड़ी भी है तो उसको आ जाएगा पूरा, ऐसे नहीं फेंको ना बेटा हमेशा, आप ये पहन लो आज ठीक है, ठीक है मैं पहन लूंगी, जाइए पहन कर आइए, तो जाइए जाइए, आप इनको दे करके इसके अलमारी में रखती हूँ, जोहा ने पहन ली, दिखाओ थोड़ा दूर के दिखाओ, दूर के दिखाओ, हाँ ये देखो जो कितनी प्यारी लग रही कमी शलवार, बहुत प्यारी लग रही हो कमी शलवार में, चलो इधर लगा लो, खोलो इधर और लगाओ इधर, मैं आपके बाल बनाऊंगा, मैंने पिंक कलर का बाल अभी नहीं बना रही, आपके बालों में ऑयलिंग करूंगी ना, फिर आपको नहीं लाऊं, नहीं नहीं बेटा नहीं नहीं, कल स्कूल जाना है, फिर आपके बालों में ऑयलिंग होगी ना बेटा, तो मैं कंघी करूंगी, रात को कर दूंगी, चलो अब इतना लगा लो फटाफट से, जोहान यहाँ पे सो रहा है, जोहान उठ रहा है, फिर इसको तैयार करूंगी, अभी जोहान को तो कपड़े पहन लिया, लगा ली लगा लो, ऐसे नहीं करते इसको, लगा ली चलो रख दो वापस, चलो ये पाउडर लोशन रख के आओ, लगा लिया ना पाउडर को, बंद करो मेरा बेटा,
बंद करो और यही पढ़ो क्वेश्चन, नाई की लग के आओ। चले जी नमाज वगैरह पढ़ ली है, जुहान भी मेरा सो गया, जुहा को तैयार भी कर दिया, नमाज भी पढ़ ली। अब मैं बनाने लगी हूँ, पहले शरबत बनाऊंगी, फिर बेसन घोल के रखूंगी, साथ में आलू काट के ना बारीक बारीक स्लाइस उसमें डाल के तो छोड़ दूंगी। जब हम पकौड़े बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट से बन जाते हैं। और अभी हनी को भेजा हुआ है सामान लेने के लिए, मैंने चिकन वगैरह पालक वगैरह मिक्स पकौड़े के लिए। एक चीज़ जहन से निकल गई, ये छोले बना लें, छोलों का पैकेट ये बन गया बड़ा वाला, छोलों का पैकेट, छोले बनाऊंगी आज। यहाँ पे मैंने इमली भिगो के रख दिए, टैंग निकाल लिए। सबसे पहले बनाएंगे शरबत, सबसे पहले शरबत के लिए हम डालेंगे अपना पानी। चलो ये हो गया हमारा, इसमें डालेंगे चीनी। शरबत से दो गिलास ही बनते हैं हमारे, तो मैं अपने हिसाब से चीनी रखूँगी, क्योंकि चीनी मेरे ख्याल से बहुत है हमारी। चीनी मिक्स करके अब डालेंगे अपना इसमें टैंग, शरबत बन गया। अब इसको हम रख देंगे अपने फ्रीजर में ताकि ये ठंडा चिल हो जाए। इसको मैं ढक देती हूँ, पहले इसको कुछ गिरे नहीं। यहाँ पे मैंने मंगवाया है खरबूजा, तरबूज और थोड़ा सा भी जो चिकन मंगवाया है मैंने पकौड़ों के लिए, बोनलेस, और ये पालक मंगवाया है पकौड़ों के लिए। अब इसकी बनेगी फ्रूट चाट, ये ऐसी काटेंगे हम तरबूज अपना। ये आंटी के साथ मिलकर मैंने ये ले लिया। अच्छा, अगर आप लोगों ने ले लिया, पूरा नहीं दे रहे थे पूरा, बहुत वो, ये 2 किलो का है, 2.5 किलो का ये। अनी कह रहे नहीं आएगा, इतना महंगा हो रहा है तरबूज, मैं कहा थोड़ा सा ले आओ, सीधा आया होता है नहीं, फिर इतना बड़ा हम लोग क्या करते हैं। आंटी ने मुझे पूछा, मैंने जब उससे धुलवाया तो 5.5 किलो 6 किलो बन गए, तो आपने खुद कहा था पकौड़ों के लिए। तो ये मुझे आप बोलती फिर बोटी इस तरह से डालूंगा, मैंने उसको बोला पकौड़ों के लिए, बोला सही, हाँ, फिर उसने अपने हिसाब से करके दे दी, और जिससे हम हमेशा लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ना, इसको पहले मैं मैरिनेट कर देती हूँ जल्दी जल्दी से ना चिकन को, ताकि ये थोड़ा सा ऐसे लग जाए चिकन के पकौड़े के लिए ना। इसको मैं पहले थोड़ा सा अदरक लहसुन इसमें ना, थोड़ा सा इसमें जाएगा हमारा अदरक लहसुन, ये ना क्योंकि बूटे छोटी छोटी सी, थोड़ा सा जाएगा अदरक लहसुन, उसको थोड़ी देर जो ये मैरिनेट करने रख दूंगी ना तो और अच्छा हो जाएगा। साथ में इसमें डालेंगे हम अपना थोड़ा सा नमक, ये देखिए इसमें डालेंगे हमारी कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें डालेंगे हम, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी, ये इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया हम डालेंगे थोड़ा सा इसको क्रश करके, ऐसे नहीं डालेंगे, एक मिनट रखने देना नहीं। ये यहाँ से मैं निकालूंगी अपनी एक गिलास स्टील वाला, ये गिलास निकालूंगी क्योंकि अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना वो क्या बनना मशीन लगा है। इसको डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, ये डाला धनिया, इसमें थोड़ा धनिया और डाल दूंगी ताकि मैं उसमें भी डालूंगी ना, हाँ उसमें दूसरे पकौड़ों में मिक्स पकौड़ों में थोड़ा इसमें डालेंगे हम जीरा, और इसको हम फटाफट से ना ऐसे से ना इसको कूट लेंगे थोड़ा सा, ये देखो कैसा बारीक सा, ये देखो थोड़ा मोटा थोड़ा बारीक, ये अच्छा लगता है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा सा, ये अगर पकौड़ों में अच्छा लगता है, बड़ी प्यारे से ना इसमें बाटी है। थोड़ा डालेंगे हम इसमें सोडा खाने वाला, ये ठीक है ज़रा सा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सोया सॉस, टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा डालेंगे हम इसमें अपना सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे इसमें चिली सॉस, बस इतना छोटा सा प्याज कट के डालूंगी इसमें मैं, बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और प्याज को भी ना मैं थोड़ा सा स्लाइस में काटूंगी ताकि हम इस तरह से पकौड़े डालेंगे ना ये तो वो ज़रा अच्छा सा आएगा,
थोड़ा इसमें डाल देंगे हरा धनिया, बढ़िया धनिया नहीं डालेंगे, बस ये प्याज काट के डालेंगे। ये बहुत मज़े के हमारे चिकन के पकौड़े रेडी रहेंगे। और अगर बोटियाँ हो ना आपके में तो फिर बोटियों में आप प्याज ना डालें, अभी तो बहुत छोटी बोटियाँ, तो मैं इस तरीके से करके डालूंगी ना, जैसे हम मिक्स पकौड़े बनाते हैं तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करके ना डालेंगे प्याज इसके अंदर। इसमें डालेंगे हम अपना, पहले इसको कर देंगे अच्छे से हाथों से मिक्स, जो हमने मसाले डाले इसमें वो अच्छे से इसमें चली जाए। ये देखें अदरक लहसुन जो है सारे प्याज व्याज सारे डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे अपना ये बेसन, बेसन हम देखेंगे जितनी हमें ज़रूरत है ना हम सिर्फ उतना डालेंगे। ये हमारा देखें कितना अच्छा सा इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी सी हुई है, ये सारा इसमें मसाला अच्छे से लग जाएगा। इसको मैं रख देती हूँ साइड पे जब तक ये थोड़ा सा मेरीनेट होगा। अब हम बनाते हैं अपने आलू वाले पकौड़ों के लिए बेटा, उसी में हम बनाते हैं मसाला काट लेते हैं, आलू के बाद हम मसाले पकौड़े बना लेंगे। जाएगा हमारा चुटकी बराबर मीठा सोडा, थोड़ी सी फिटी भी वैसे जाएंगी अभी, और बाकी जब हम मिक्स वाले बनाएंगे तो फिर इसमें और ऐड करेंगे। अभी हम इसमें से थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। ये बाकी के जो मसाले हैं ना इसमें हमारे जीरा वगैरह ये मैं डालूँगी बाद में, जब हम प्याज इसमें धनिया और वो पालक डाल लेंगे तब हम इसमें वो कुटी मिर्ची हैं जीरा साबुत धनिया और जो हमारे मटर मसाले और थोड़ा नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे ना इसमें। अब इसमें मैं डालूँगी अपने आलू, आलू को फ्राई करूँगी तो बारीक बारीक और वो मैं इसमें डालूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस काटेंगे इसे ऐसे, इस तरह के बारीक बारीक बहुत मज़े के लगते हैं, वो गल भी जाते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक, अभी मेरी छुरी आ जाएगी ना और तेज़ वाली उसे और बारीक काटेंगे। यहाँ पे जुहा को लग गई है भूख, हटो इसके, मैंने यहाँ पे आलू और पराठा जो सेड़िया बना के रखा था वो मैं गर्म कर रही हूँ, इधर रखो डालो। हाँ दादा काटो, एक मिनट भी लगाओ, बस एक मिनट बहुत है, चला जाओ जाओ कमरे में जाओ, मैं ला रही हूँ गर्म करके। यहाँ पे मैं फटाफट आलू कट कर लिए मैंने, कुछ मैंने मिक्स पकौड़ों के लिए इस तरह से कट किए लंबे लंबे ना। चले जी, यहाँ पे मैंने अपने तरबूज भी काट लिया है, ठीक है मैं फ्रूट वाट बनाऊँगी बाद में, पहले तरबूज काट के ना मैं इसको अच्छा ठंडा होने रखती हूँ फ्रीज़र में ना साइड पर ऐसे, ताकि ये आराम से ठंडा हो जाए। ये देखें जो आपको देख के आते हैं मां तुम जा दे दे थैंक यू जा। अब मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट, फ्रूट चाट बना, जोहा ने खाना खा लिया, ये थोड़ा सा बचा दिया है, इसको बाद में खिला दूंगी। फिलहाल मैं बनाऊंगी फ्रूट चाट, अब जल्दी से मैंने चटनी का सामान भी निकाला है, धनिया और पालक काट के रख दिया, प्याज काटनी है, जल्दी जल्दी से प्याज काटती हूँ। 1, 2, 3 और 4 थोड़ी चाट में डालेगी, थोड़ी पकौड़ों में डालेगी, ये 4 प्याज में काटूंगी अभी, उसके बाद बनाती हूँ फ्रूट चाट। बस चाट वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि फिर हनी को ना अच्छी हनी चाट वगैरह नहीं कहते, मना करते हैं, वैसे चाट वगैरह डालो तो बहुत मज़े की बनती है चाट, लेकिन मेरे मियाँ को पसंद नहीं है ना, क्या करें, वो एक सी फ्रूट चाट ही शौक से खा रहे होते हैं बस। इसको भी रखते हैं अपने फ्रिज में। जी मेरा सारा काम तकरीबन हो चुका है, प्याज काटिए ना से आंसू आ रहे हैं, मैंने फ्रूट चाट बना के रख दी, तरबूज भी बना काट के रख दिया है, और मैंने शरबत बना के रख दिया, बेसन घोल लिया, आलू वाले पकोड़े पालक के पकोड़े भी अलग कर लिए हैं मतलब जो बनाने वाले हैं, और जो चिकन वाले हैं उसको भी मैरिनेट करके रख दिया है, सारा सामान काट के रख दिया, प्याज व्याज चने की चाट का सामान भी, प्याज टमाटर वगैरह धनिया वगैरह सब काट के रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ अदा करने, नमाज़ के बाद फिर मैं आऊँगी इंशाल्लाह
पकौड़ों वकड़ों पर फ्राई के लिए आएंगे इंशाल्लाह। अभी नमाज़ अदा करते हैं पहले असर की, उसके बाद अपने करते हैं मज़ेदार सी अफ्तारी को, मतलब पकौड़े शकौड़े फ्राई करते हैं, पापड़ शापड़, फिर आप उसके बाद आपको दिखाते हैं। चाय स्टार्ट, चाय के लिए चाय बन रही है, चने के साथ यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया अपने कढ़ाई में। ये मैंने कढ़ाई ली थी लोहे की, मैंने फिर ली थी कि इसमें कभी कढ़ाई वगैरह बनाते हैं हम लोग, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई या जैसे रमजानों के लिए पकौड़े वगैरह, तो उसके लिए सही होती है, इसमें चिपक चपक करनी अच्छी होती है इसमें ना, तो मैंने ये ली थी लोहे की कढ़ाई। यहाँ पर मैंने प्याज, पुदीना और टमाटर, ये मैंने फ्रूट चाट के लिए करा है, सबसे पहले डालेंगे इसमें फ्रूट चाट के लिए, वो चाय चाट के लिए रोज़ा लग रहा है, रोज़ा तो लग रहा है, वो तो हालत बता रही है ना। पहले चाय बोल दी या फ्रूट चाट बोल दी, तुम भी वक्त में अच्छा थोड़ा काम जानी हो जाएगा। पहले बॉईल पहले से कच्चे रखे हैं, बस इसको प्याज को भी हम थोड़ा कच्चा पक्का रखेंगे, थोड़ी कच्ची करंट करंट होता है ना, मज़ा आता है ना, उसकी करंट की वजह से पता नहीं इसमें क्या लेने आई थी नमक, ये हालत है इसको चाहिए तो नमक डलेगा ना, फिर डाल देंगे ये ना नमक सामने, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, देखिए ना मैंने ये रोजे में सामने बड़ी चीज़ भी आपको नहीं नजर आती, सही बोल रहे हैं। चलो यहाँ पे प्याज डाल दी, डाल देंगे छोले, एक तरह हम फ्रूट चाट बना रही है, चने चाट बनाएंगे और एक तो हमारी पकौड़े बनते हैं, पकौड़े तैयार होंगे। अब इसमें डालेंगे आपको टमाटर, पुदीना डालेंगे बाद में, नमक डालेंगे थोड़ा सा, मैंने अपनी वो पुरानी वाली अपनी ट्रे भी निकाल दी, दो के रख दी मैंने, इसमें मैं पिछली बार भी मैं लेके आई इसे अफ्तार के लिए, इसमें अफ्तार लोग भेजो, बड़ा अच्छा लगता है बहुत ना, बड़ी भी है ना सब चीजें आ जाती है इसके अंदर ना। थोड़ी सी कम ही डालेंगे ताकि हो जाए ना, ओके इसमें चाट मसाला भी डलता है लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, मैं भूल गई थी, चलो जी कुटी हुई मिर्ची डाल दी है, इसमें चाट मसाला तो मेरे पास है नहीं, चाट मसाला तो उसकी जान है, चाट मसाला मेरे पास है नहीं अभी, सही डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे से इमली का पानी ताकि थोड़ी सी खटास इसमें हमारी आए, चने खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ ताकि इसका पानी थोड़ा खुशक हो, उसको अच्छे से भून लेते हैं बस, टमाटर ही भून जाएंगे, ये हो गया हमारा। अब हम डालते हैं पकौड़े, पकौड़े खाते हैं अपने आराम से, मैरिनेट करके रखे थे ये देखो, वो डालेंगे अपने चूल्हा से कर लेंगे हल्का, क्योंकि हमारे कपड़े जलने ना, चिकन के हमारे पकौड़े हो गए रेडी, ये देखें चिकन वाले, इसके बाद जाएंगे हमारे, अच्छा चाट मेरी बन गई, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अच्छा चने की चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है जी। अब आएंगे हम अपने आलू वाले और पालक वाले पकौड़े, बिस्मिल्लाह। तो रेडी यहाँ पे हमारे पकौड़े ही बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, आलू वाले
अब इसके बाद पालक वाले, फिर मिक्स। यह हो गए हमारे आलू वाले मज़ेदार पकौड़े। अब जो दूसरे हमारे बचे हैं पालक और आलू के, वो भी निकालते हैं ऐसे। ये हमारे पालक के पकौड़े हैं, पालक वाले वो आलू वाले। चलिए जी, अगर पकौड़े बन रहे हो, यहाँ पे मैंने सारे मिक्स सामान डाल दिया। आपने धनिया और पालक, आलू, प्याज और अपना जो मेरा ज़ीरा वगैरह था, साबुत धनिया, कुटी मिर्ची, नमक और थोड़ा सा बेसन मैंने और ऐड किया है। ये देखो प्याज भी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स और ये हमारे बन गए मिक्स पकौड़े। रस्सा मिक्स हुआ ये बेटर मेरा, ये देखें अभी हमारे बन रहे हैं मिक्स पकौड़े। थोड़े थोड़े डालेंगे, थोड़े डालते हैं तो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। पकौड़े सारे हो गए, पूरी सारी हमारी डल हो गई। देखें पकौड़े भी हमारे माशाल्लाह हो गए मिक्स पकौड़े। ये देखें वाओ, सिर्फ क्रंची क्रंची क्रिस्पी है। ये देखें, तो चूल्हा करते हैं बंद, तो निकालते हैं जी। मज़ेदार सी अफ्तारी सारी रेडी हो गई। देखिए जी पापड़ हैं, ये हमारे मिक्स पकौड़े हैं। ये देखिए, देख रहे हैं कितने क्रिस्पी हैं। ये हमारे मिक्स पकौड़े, हमारे छोले की चाट, फ्रूट चाट, तरबूज, सारे पकौड़े, पालक वाले, आलू वाले, चिकन वाले और ये पापड़, और ये हमारा शक्कर। अब जल्दी से बनाती हूँ मैं अफ्तारी देने वाली बाहर। ये हो गई हमारी अफ्तारी बाहर देने वाली। अभी देती हूँ हनी को, रखे देकर आते हैं।